हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर ओन फेवरेट चैनल ट्रेडिंग विद तरुण। मेरा नाम तरुण और ये है एक स्पेशल वीडियो ऑन रिक्वेस्ट। काफ़ी लोगों का मैसेज आया कि उनको कुछ नया सीखना है ट्रेडिंग, यू के कुछ ऐसे हैक्स के बारे में जानना है जो वो पहले नहीं जानते थे। सो ये वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है। आपको कुछ पेड फीचर्स ट्रेडिंग यू के फ्री ऑफ कॉस्ट यूज करने को मिल सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगा के, थोड़ा सा ट्विक करके, और आप ट्रेडिंग यू को बहुत ही अच्छे तरीके से आसानी से यूज कर सकते हो कुछ छोटे मोटे ट्वीक्स करके। तो ये बहुत वीडियो होने वाली है, बहुत ही एक्साइटिंग। तो अगर आपके पास अभी टाइम नहीं है और आप इसे ध्यान से नहीं देख सकते हो तो आप क्या कर सकते हो, इस वीडियो को पॉज कीजिए और वॉच लेटर लिस्ट में डालिए लाइक करके, और जब आपके पास टाइम हो एयरफोन लगा के आराम से इस वीडियो को देख सकते हैं। जो लोग तैयार हैं अभी देख सकते हैं, उनके लिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि हम कैसे फ्री में मल्टीपल वॉच लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं ट्रेडिंग व्यू के अंदर, और कैसे ही एक ही साथ, एक एक करके नहीं, नॉर्मली जब एक स्टॉक ऐड करते हैं तो आपको एक एक करके स्टॉक ऐड करना पड़ता है, एक ही साथ कैसे रेलेवेंट स्क्रिप्ट बना सकते हैं। ठीक है, सो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं क्या है। गाइस, मेरा ट्रेडिंग व्यू का ये मेरा अकाउंट है। सबसे पहले मैं आपको ये दिखा देना चाहता हूँ कि ये जो अकाउंट है ये एक फ्री अकाउंट है, इट्स नॉट अ पेड अकाउंट। तो मैं यहाँ पर आपको पूरा अकाउंट आपको शुरू से दिखा देता हूँ, इट्स नॉट अ पेड अकाउंट, ये फ्री अकाउंट है। ये देखिए, यहाँ देखेंगे अपडेट अपग्रेड नाउ 30 डे फ्री ट्रायल, मतलब ये अभी भी मेरे को फीचर्स के लिए ही बोल रहा है। और यहाँ पर आप यहाँ पर बोल रहा है कि मुझे पैसे ऐड करने पड़ेंगे, एक्सेप्ट, ओके, पैसे देने पड़ेंगे इनको फीचर्स यूज करने के लिए। और चार्ट पे आ जाते हैं, और सबसे पहली जो चीज, जो डिफिकल्टी लोग इसमें फेस करते हैं ट्रेडिंग यू के अंदर, वो है वॉच लिस्ट की। नॉर्मली आपके पास एक रेड लिस्ट होती है और एक वॉच लिस्ट है, ठीक, यही वॉच लिस्ट है। इसके अलावा अगर आप वॉच लिस्ट यहाँ से क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, वॉच लिस्ट देखिए, क्रिएट न्यू वॉच लिस्ट पे क्लिक करते हैं तो आपको हमेशा ये एरर आता है, सॉर्ट योर सिंबल बेटर विद मोर, बाय करो, पैसा दो, नहीं देना भाई, पैसा नहीं देना, ठीक है। तो हम ये सीखेंगे कि आप पैसा बिना पैसे दिए कैसे वॉच लिस्ट बना सकते हैं, और वॉच लिस्ट को आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। ये मेरे एफएनएस स्टॉक्स की लिस्ट है जो मैंने यहाँ पर बना रखी है, यहाँ पर 197 स्टॉक्स हैं। नॉर्मली अगर आप स्टॉक ऐड करते हैं, कैसे आप 197 स्टॉक्स को इकट्ठा ऐड कर सकते हो, यहाँ पर जब आप जाते हो तो आप एक एक करके टाइप करके ऐड करते हो, करेक्ट, वैसे नहीं, एग्जैक्टली आप कैसे सबको ऐड कर सकते हो, वो दोनों चीज आपको मैं बताऊंगा। तो शॉर्टकट क्या है, कैसे आप यूज कर सकते हो, देखिए, जब भी आप यहाँ पर जाते हैं क्रिएट करते हैं, अगर आपके पास फ्री वर्जन है तो आप यूज नहीं कर पाओगे, नहीं ले पाओगे, तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपको एक मोबाइल फोन चाहिए, और मोबाइल फोन के अंदर आपको डाउनलोड करनी है एप्लीकेशन tradingview.com। मैं आपको मोबाइल के ऊपर ले चलता हूँ, स्क्रीनशॉट ये दिख रहा होगा आपको, मेरे मोबाइल दिखाई दे रहा होगा, ठीक है ना। और ये मोबाइल जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, मेरी स्क्रीन मोबाइल की स्क्रीन है, मैंने एप्लीकेशन डाउनलोड की हुई है और ये एप्लीकेशन ऐसे दिखाई देती है। और ये अकाउंट मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर दो लिस्ट है जो यहाँ पर है, ये रेड लिस्ट और वॉच लिस्ट, ठीक है। और यहाँ पर भी मैंने अभी नाम चेंज कर दिया है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा चेंज होने के लिए, एफएनओ यहाँ पर आ रहा है देखिए, ठीक है, ये भी चेंज हो जाना चाहिए, ठीक है। आपको अकाउंट दिखा देता हूँ, दोनों अकाउंट ये देखिए, अगर यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मोबाइल के ऊपर, तो ये ट्रेडिंग विद तरुण अकाउंट है, सेम जो अकाउंट आपको मैंने यहाँ पर दिखाया था ट्रेडिंग विद तरुण का अकाउंट है, यहाँ पर भी ट्रेडिंग विद तरुण का ही अकाउंट है। सो दोनों अकाउंट सेम है, दोनों अकाउंट सेम है, ट्रेडिंग विद तरुण, ट्रेडिंग विद तरुण अगर आप देखेंगे तो दोनों के दोनों अकाउंट सेम है, मैच कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर आपको क्या करना है, मोबाइल एप्लीकेशन में आपको क्यों डाउनलोड करना है गाइस, जब भी आप लैपटॉप पर लॉगिन करके यहाँ पर वॉच लिस्ट ऐड करने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर नहीं हो पाता है, ऐड नहीं हो पाता। आपको क्या करना है, आपको अपनी मोबाइल फोन पर जाना है, ठीक है, वॉच लिस्ट के ऊपर आ जाना है, और यहाँ वॉच लिस्ट पर आने के बाद यहाँ पर प्लस आइकन है, ठीक है, मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ, ये जो प्लस आइकन है इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप मोबाइल के ऊपर प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्या एंटर वॉच लिस्ट नेम, तो मैं यहाँ पर वॉच लिस्ट बनाता हूँ, जैसे निफ्टी निफ्टी 50 और क्रिएट, मैंने यहाँ पर क्रिएट कर दिया, यहाँ पर ऐड सिंबल की बात कर रहा है, ठीक है, ऐड सिंबल नहीं करेंगे हम, छोड़ देंगे इसको। और यहाँ पर मैं लैपटॉप पे इमीडिएटली आता हूँ, यहाँ पर रिफ्रेश करने की कोशिश करता हूँ, देखो यहाँ पर निफ्टी 50 की लिस्ट आ गई ऑलरेडी, ठीक है। ऐसे ही आप चाहे जितनी
चाहें उतनी मल्टीपल लिस्ट जो है बना सकते हैं मोबाइल फोन पे ऐड करके, वो आपके फोन के ऊपर ऑटोमेटिकली आ आ जाएगी, ठीक है, वो आपके फोन पर ऑटोमेटिकली आ जाएगी। फॉर एग्जांपल अगेन दोबारा चलते हैं, ये निफ्टी 50 यहाँ पर बाबू वॉच लिस्ट में ऐड करके यहाँ पर ऐड करते हैं, जैसे निफ्टी आईटी, ठीक है, ये निफ्टी आईटी की हमने लिस्ट क्रिएट की। यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर देखेंगे हम क्या निफ्टी आईटी भी आ गया, ठीक है। वापस जाते हैं अपने मोबाइल फोन के ऊपर, ठीक है, यहाँ पर एक और वॉच लिस्ट ऐड करते हैं, निफ्टी ऑटो या निफ्टी बैंक, बैंक निफ्टी हमारी, सॉरी निफ्टी बैंक, ठीक है, ये लिस्ट क्रिएट हो गई। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा निफ्टी बैंक भी इसके अंदर ऐड हो गया। तो ये तीन लिस्ट बनाइए, मल्टीपल लिस्ट जितनी चाहें उतनी कर सकते हैं, कोई लिमिटेशन नहीं है। अगर आप यहाँ से करने की कोशिश करेंगे तो आपको एरर आएगा, बाय करने को बोलेगा पैसे दीजिए पैसे दीजिए, लेकिन आप अगर मोबाइल फोन से करते हैं तो बहुत ही आसान तरीके से आप इसको चेंज कर सकते हैं, सारे लिस्ट आपके पास आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पर मोबाइल फोन का काम हो जाता है खत्म, यहाँ पर कुछ नहीं करना है। अब आपको हम सिखाएंगे कि आप किस तरीके से मल्टीपल स्टॉक्स को ऐड करें इसके अंदर, एक एक करके ना करना पड़े, मल्टीपल स्टॉक को कैसे ऐड करें। उसके लिए आपको क्या करना है, कोई वेबसाइट के ऊपर जाना है जिसका नाम है एनएससी इंडिया वेबसाइट, ये हमने ऑलरेडी खोली हुई है एनएससी इंडिया, दोबारा से खोल देता हूँ। फर्स्ट स्टेप फर्स्ट, nscindia.com पे जाना है और वहां पर जाकर आपको क्लिक करना है मार्केट डेटा और इक्विटी एंड एसएमई मार्केट के ऊपर। जहां पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको मल्टीपल लिस्ट दिखाई देगी, निफ्टी 50, निफ्टी 100, ठीक है, ये बहुत सारी निफ्टी बैंक, निफ्टी ऑटो, बहुत सारी आपको दिखाई देंगी। साथ के साथ आपको क्या करना है, आप जैसे निफ्टी 50 सबसे पहले करते हैं, तो निफ्टी 50 आप जैसे सेलेक्ट करेंगे निफ्टी के सारे स्टॉक्स, 50 के जितने भी स्टॉक्स है सारे की लिस्ट आ जाएगी। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा जिसको हम बोलते हैं डाउनलोड CSV, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप डाउनलोड CSV पे क्लिक करेंगे मार्केट आप देखेंगे कि डेटा डाउनलोड हो रहा है। यहाँ पर आपको क्या करना है, इसको खोलना है एक्सेल शीट के अंदर, ठीक है, आपको ओपन विद एक्सेल करना है, ओपन विद एक्सेल, ये आपकी शीट आपके सामने खुल जाएगी, ठीक है। आपको ये जितना भी डेटा है ये सारा डेटा करना है डिलीट, सिर्फ आपको फर्स्ट रो रखनी है अपने पास में, जो नाम है आपको वही रखना है और यहां पर इंसर्ट करनी है एक रो एज इट इज। आप इसको ये स्टेप एज इट इज करने हैं गाइस, ठीक है, और एक बार आप करेंगे तो आपको आराम से पता लग जाएगा। तो आपको निफ्टी 50 ऐसे करना है, उसके बाद आपको यहाँ पर इसके आगे लिखना है NSE सेमी कॉलन, ये आपको लिखना है, ठीक है, और इसको आपको डबल क्लिक करना है, ये नीचे तक आ जाएगा, ठीक है, ड्रैग करना है, मतलब हर स्टॉक के नाम के आगे आपको NSE सेमी कॉलन लिखना है, ठीक है, ये स्टेप क्लियर है। उसके बाद आपको थर्ड रो में जो कि सी रो है वहां पर लिखना है एक फॉर्मूला एज इट इज, कॉपी कर लीजिएगा, ऐसे लिखना है इज इक्वल टू कॉन कैटिनेट, कॉन कैटिनेट, ठीक है, ब्रैकेट ओपन कॉलम 1 कॉमा कॉलम 2 कॉमा इन्वर्टेड कॉमा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट बंद और एंटर, ये आप लिखेंगे तो ये लिखा हुआ आ जाएगा गाइस। ये क्या है, फाइनल जो प्रोडक्ट आपका लिखा है वो है NSE सेमी कॉलन, स्टॉक का नाम और उसके बाद में कॉमा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आप यहाँ पे क्या करते हैं, देखिए जब आप हमारी ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट पर जाते हैं और यहाँ पर एक स्टॉक ऐड करने की कोशिश करते हैं तो आप सारे स्टॉक इकट्ठे ऐड नहीं कर सकते, आपको एक एक लिखना पड़ता है। IRCTC लिखा, उसको ऐड किया, ठीक है, उसके बाद आपने इंडस बैंक लिखा, इंडस मतलब इंडस आएगा भी नहीं, पूरा इंडस लिखना पड़ेगा आपको, इंडस लिखा, इंडस बैंक आया, ढूंढो इंडस बैंक कहाँ है, फिर उसको ऐड करो एक एक करके ऐसे 50, अगर मान लो 100-150 स्टॉक हुए तो आपका पूरा दिन इसके अंदर जा सकता है। तो इकट्ठे कैसे करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ, तो आपको ये फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा। इसको कॉपी पेस्ट करके सबके आगे लिखना है, यहां से ड्रैग करके नीचे की तरफ भी लेके आ सकते हैं, ड्रैग करके नीचे की तरफ भी ला सकते हैं, ठीक है, और ये मैंने नीचे की तरफ ले आया, ये निफ्टी 50 का स्टॉक आ गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहां से ऊपर से लेकर नीचे तक सेलेक्ट करना है, इसको नीचे तक सेलेक्ट करना है 50 के 50 स्टॉक, ओके, ये 50 स्टॉक, और इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद यहाँ आना है ट्रेडिंग में, ये प्लस आइकन है जो वॉच लिस्ट में जाना है, जहां जिस वॉच लिस्ट में आपको ऐड करना है, तो निफ्टी 50 में हमें 50 स्टॉक ऐड करने हैं। यहाँ पर हमने प्लस साइन पे क्लिक किया, इधर आपको करना है पेस्ट जो भी आपने कॉपी किया है, और उसके बाद प्यार से बोलना है, क्या बोलना है, ट्रेडिंग विद अरुण
आई लव ट्रेडिंग तरुण बोलना है और एंटर मार देना है। जैसे आप ये करेंगे गाइस, ये सारे स्टॉक आपके इकट्ठे लिस्ट में आ गए, देख रहे हैं आप, सारे स्टॉक इकट्ठे आपके लिस्ट में आ गए। एक दो स्टॉक्स हैं जो नहीं आएंगे क्योंकि ट्रेडिंग भी उनका नाम कुछ और था, जैसे निफ्टी 50 है, ठीक है, निफ्टी 50 जो रेड में आ गया इसको हटा दीजिए, और यहाँ पर जो हमें स्टॉक चाहिए निफ्टी 50 का इंडेक्स नहीं चाहिए। आप यहाँ पर नीचे देखते हैं कुछ जो स्टॉक है जो नहीं आए, जैसे बजाज ऑटो नहीं आया, इसका कॉन्सेप्ट अलग है। तो एक आध स्टॉक है वो आप आराम से मैनुअली डाल सकते हैं, बजाज ऑटो ये आ गया, क्योंकि बजाज ऑटो का बजाज अंडरस्कोर ऑटो है इसलिए नहीं आया। M&M जो महिंद्रा एंड महिंद्रा है उसको ऐड कर लीजिए, महिंद्रा एंड महिंद्रा, ठीक है। कुछ जो स्टॉक है जिनके लिस्ट नाम अलग है वो नहीं आएंगे, बाकी सारे 50 के 50 स्टॉक अगर देखेंगे तो लिस्ट के अंदर आ गए। अगर आप यहाँ देखेंगे तो देखिए निफ्टी फिफ्टी में कितने स्टॉक हो गए, 50 स्टॉक आ गए, ठीक है। इस चीज को मैं एक बार दोबारा आपको करके दिखा देता हूँ ताकि आपको वही चीज दोबारा से समझ में आ जाए, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा उसके लिए, दोबारा से इक्विटी वेबसाइट पर जाना पड़ेगा। इस बार क्या करना है, जैसे बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी पे क्लिक किया, यहाँ पर बैंक निफ्टी के जितने कॉम्पोनेंट बैंक है सारे आ गए, ठीक है। आपको क्या करना है, डाउनलोड CSV फाइल हो जाएगी, आपको क्या करना है यहाँ जाना है और उसको एक्सेल शीट में खोलना है, मूव ओपन विद एक्सेल शीट। या तो आप देखो आपके दो ऑप्शन है, या तो जो प्रोसेस आपने इस फाइल पे किया था वो एज इट इज आप कर लीजिए, वरना शॉर्टकट क्या हो गया, अब तो सारी लिस्ट का शॉर्टकट क्या हो गया, फॉर्मूला तो बना हुआ, ये कॉपी किया, खाली नाम कॉपी किए बैंक के, और आपने क्या किया ये निफ्टी 50 की जगह यहाँ पर ऊपर पेस्ट कर दिया, खलास ऊपर हो गए। अब ये जो बैंक कॉपी हुए हैं खाली इनको कॉपी करना है, इनको कॉपी किया, ठीक है, कहाँ गए, वॉच लिस्ट में आए, ट्रेडिंग व्यू इधर आए, निफ्टी बैंक प्लस पेस्ट, क्या बोलना है, आई लव ट्रेडिंग विद तरुण, एंटर, सीधा धड़ाऊ तो जड़ू, ठीक है। बैंक निफ्टी को हटा दो, बाकी सारे निफ्टी के जो बैंक है कॉम्पोनेंट बैंक है आ गए, ठीक है। और कौन सी लिस्ट बनाई थी हमने, निफ्टी आईटी बनाई थी। क्या करना है, सीधा उसके ऊपर दोबारा जाना है, यहाँ पर जाना है और ढूंढना है निफ्टी आईटी का, ये रहा निफ्टी आईटी पे क्लिक किया, ये निफ्टी आईटी के स्टॉक्स हैं सारे, ठीक है। क्या करना है, डाउनलोड सीएसवी किया, ओपन एक्सेल शीट के साथ में इसको ओपन करेंगे, ओपन इन एक्सेल आ गया, ये आ गया, ठीक है। फॉर्मूला यहाँ बनाने की जरूरत नहीं है, एक बार ऑलरेडी बना हुआ है, कॉपी किया और पहले की तरह यहां पर पेस्ट कर दिया बीच में, और ये हमारा आउटपुट आ गया माइंट्री तक। इसको कॉपी किया, वेबसाइट पे वापस आए, एड लिस्ट पे दिखा, यहां पे पेस्ट किया और बोलना है, क्या बोलना है, आई लव ट्रेडिंग विद तरुण, और एंटर मारना है धड़ांत धड़ो, ठीक है। जैसे आपने एंटर मारा ये देखिए निफ्टी आईटी को हटा दीजिए, स्टॉक जरूर आ देंगे, सारे स्टॉक आपके ऑटोमेटिकली लिस्ट में आ गए। ऐसे ही आप मोबाइल फोन के थ्रू मल्टीपल वॉच लिस्ट बना सकते हैं, निफ्टी आईटी, निफ्टी फार्मा, निफ्टी यू नो बैंक, निफ्टी ऑटो, और एक एक करके एक ही बार में, आई डोंट थिंक सो इट विल टेक मोर टाइम देन दैट, और आपकी जो लिस्ट वो तैयार हो जाएगी। जैसे कि से निफ्टी एक और बना लेते हैं, निफ्टी ऑटो, ठीक है, इसके अंदर ऐड करते हैं निफ्टी ऑटो क्रिएट, ठीक है, एक और ऐड कर लेते हैं निफ्टी फार्मा क्रिएट, ओके, एक और ऐड कर लेते हैं निफ्टी एनर्जी क्रिएट, ठीक है। मल्टीपल लिस्ट हमने यहाँ पे क्रिएट कर दिए, अब यहाँ पे आके देखते हैं क्या वो क्रिएट हुई है लिस्ट, कोई लिमिटेशन नहीं है। ये देखो निफ्टी फार्मा आ गया, निफ्टी एनर्जी आ गया, निफ्टी ऑटो आ गया, सब में 0-0 स्टॉक है, तो निफ्टी ऑटो में आ जाओ, खाली है, कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी भर देंगे। क्या करना है उसके लिए, सबसे पहली चीज जो इंपॉर्टेंट चीज है, क्या करना है, जी हाँ, इक्विटी मार्केट में जाना है और यहाँ पर हमें ढूंढना है निफ्टी ऑटो। निफ्टी ऑटो किधर है, ये सबसे ऊपर निफ्टी ऑटो आया, ये आपके स्टॉक्स बने हुए हैं यहाँ पर ऑलरेडी, ठीक है, ये स्टॉक बने हुए हैं, ठीक है। इसकी हमें क्या करना है, इसको हमें करना है CSV डाउनलोड, और ये CSV डाउनलोड हो गई है, इसको हम ओपन करेंगे, सेम फॉर्मूला ओपन करेंगे एक्सेल शीट के अंदर, ओपन विद एक्सेल, ठीक है,
निफ्टी ऑटो को छोड़ के बाकी सारे स्टॉक हमने कर लिए कॉपी, ये हमने कॉपी किए और बीच में पेस्ट कर दिया, बीच में हमने पेस्ट कर दिया और इसको कर लिया कॉपी, फाइनल आउटपुट को किया कॉपी। और आ गए हम कहाँ पर, अपनी वॉच लिस्ट के अंदर, वॉच लिस्ट में हमने कॉपी किया और यहाँ पे करेंगे पेस्ट, क्या बोलेंगे, आई लव ट्रेडिंग विद तरुण, एंटर। ठीक है, ऑफकोर्स MNM और बजाज ऑटो दो ऐसे थे जो नहीं आ रहे थे क्योंकि उनका नाम अलग है वेबसाइट के ऊपर, सो बजाज ऑटो और महिंद्रा एंड महिंद्रा, ठीक है, इनको ऐड कर लिया मैन्युअली, दो ही ऐड करने पड़े। ठीक है, अगली एक और लिस्ट बनाई थी, लास्ट जो हमने करनी है कौन सी करनी है, फार्मा। सो आपको क्या करना है, आपको इक्विटी मार्केट में आना है, यहाँ पर सेलेक्ट करनी है लिस्ट फार्मा की, निफ्टी फार्मा, निफ्टी फार्मा, ठीक है, ये निफ्टी फार्मा की लिस्ट, ये खुल गए स्टॉक्स, ग्रैनुलर्स एंड एवरीथिंग, डाउनलोड CSV, डाउनलोड हो गई, ओके, ओपन करेंगे दोबारा से और ओपन विद एक्सेल शीट, निफ्टी फार्मा को छोड़ के नीचे से पूरा कॉपी, ठीक है, और इधर आके ऊपर से पेस्ट कर देंगे, जहां तक पेस्ट किया है बाइकॉन तक, फाइनल प्रोडक्ट को बाई तक बाइकॉन से किया कॉपी और वापस आए हमारी ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट पे, आईडी पे क्लिक किया, यहाँ करेंगे पेस्ट और क्या बोलेंगे, आई लव ट्रेडिंग विद तरुण, एंटर। एंटर जैसे ही मारेंगे सारी लिस्ट आपकी बन गई। सो गाइस यहाँ पर देखिए FNO की लिस्ट, निफ्टी 50 की लिस्ट, ऑटो, बैंकिंग सेक्टर, निफ्टी, अगले 5 से 10 मिनट के अंदर आपकी सारी लिस्ट बनकर तैयार। ठीक है गाइस, सो ये था शॉर्टकट ट्रेडिंग व्यू का प्रीमियम फीचर यूज करने का, जिसके थ्रू आप बहुत ही आसानी से अपनी वॉच लिस्ट को तैयार कर सकते हैं, बना सकते हैं, यूज कर सकते हैं, और आई होप दिस विल हेल्प यू आउट इन सेग्रीगेटिंग द वॉच लिस्ट, और आपका थोड़ा ऑर्गेनाइज कर ट्रेडिंग को ऑर्गेनाइज करने में बहुत मदद करेगा। आपकी रिक्वेस्ट सही थी कि बना के आपको बताया जाए कैसे यूज कर सकते हैं। investing.com पे ये लिस्ट कैसे बनती है गाइस, उसका वीडियो भी मैंने ऑलरेडी बना रखा है, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिस्ट डाल दूंगा। अगर आप investing.com पर भी वॉच लिस्ट बनाना चाहते हैं, जो बहुत लोगों को नहीं पता कि कैसे बनाई बनाई जाती है, investing.com के ऊपर भी वॉच लिस्ट बनती है, वो भी आप देख सकते हैं, वो भी आप यूज कर सकते हैं। लर्निंग आपके लिए, अगर आपको पसंद आई है तो गाइस लाइक करना ना भूले वीडियो को फटाफट, और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में ताकि वो उसको भी यूज कर सके। फिर मुलाकात होगी एक नई लर्निंग से भरी वीडियो में बहुत जल्दी, तब तक के लिए हंसते रहिए, हंसाते रहिए, मार्केट से पैसा कमाते रहिए। आई विल सी यू गाइस इन द मार्केट, बाय बाय।